हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर मिनिमल एक्सेस जीआई सर्जरी एंड बेरियाटिक सर्जरी एट सी के बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग न्यू दिल्ली। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि एक ही किलोग्राम के, सपोज दोनों दो इंडिविजुअल हैं, उनका वेट समान है, उनका बीएमआई भी समान है, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो हेल्थ में फ़र्क होता है। तो यानी कि जो बीएमआई है वो एग्जैक्टली आपको इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में उतना नहीं बता पाता जितना कि हम बाकी माध्यम से इसको जान सकते हैं। या हम यूं देखिए कि जो एथलीट लोग होते हैं जिनसे मसल ज़्यादा होता है, तो मसल अगर आपका ज़्यादा है, फैट कम है, और एक का फैट ज़्यादा है और मसल कम है, दोनों को मिला के अगर दोनों का वेट सेम है तो उनका बीएमआई सेम आएगा, लेकिन जो एथलीट है वो गुड हेल्थ में है, उसको और कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं, और जो जिसमें फैट ज़्यादा है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, उनको बाकी बीमारियां लगने के, यानी डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का, डिसकोलेस्ट्रोलीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोनों की अगर हेल्थ देखें तो बीएमआई समान है, इक्वल है बीएमआई, लेकिन हेल्थ जो है वो बेटर उसकी है जिसमें मसल ज़्यादा है। तो यानी कि हम इसको अगर ऐसे कहें कि बीएमआई से परे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं नापने के लिए, क्योंकि बीएमआई लेने पे हमें ये पता नहीं चलता कि पर्टिकुलर उसकी हेल्थ कैसी होती है, क्योंकि बेसिकली कंपोजिशन होता है जो हमारा बॉडी का, उसमें लीन बॉडी मास आता है, उसमें फैट परसेंटेज अलग से आता है, उसमें बोन मास अलग से आता है। तो बीएमआई हमें ये नहीं बता पाता कि इस पर्टिकुलर आदमी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, या उसका मसल ज़्यादा है, या फिर उसमें बोन ज़्यादा है।